हेलो गाइस, मैं उलीशा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यू न्यूज में। दोस्तों, मीडिया इस जानकारी को छिपाना चाहती है क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी ने केरल में कट्टर उन्मादी संगठन के साथ गठबंधन कर लिया है। केरल में मुस्लिम जनसंख्या 30% के आसपास है और अब कांग्रेस ने केरल में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर जमात इस्लामी के साथ गठबंधन कर लिया है। इससे पहले कांग्रेस ने केरल में मुस्लिम लीग के साथ भी गठबंधन कर रखा था। मुस्लिम लीग के बाद अब कांग्रेस जमात इस्लाम जैसे संगठन की भी साथी हो गई है। इस पार्टी को शॉर्ट में WPI कहते हैं। इसका फुल नेम है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी का उद्देश्य है पहले केरल और फिर पूरे भारत में शरिया लागू करवाना और भारत को इस्लामी मुल्क बनाना, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि। दोस्तों, आपको बता दें, केरल में अगला विधानसभा चुनाव साल 2021 में है और कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और एक के बाद एक मुस्लिम संगठनों के साथ पार्टी हाथ मिलाती जा रही है। जिस जमात इस्लामी के साथ कांग्रेस ने अब गठबंधन कर लिया है वो लव जिहाद से लेकर तमाम तरह की जिहादी गतिविधियों में शामिल है। बता दें कि केरल में मुस्लिम जनसंख्या अब 30% पहुंच चुकी है, वहीं ईसाई जनसंख्या भी 25% के आसपास पहुंच चुकी है। 20% के करीब वामपंथी जनसंख्या है, वहीं हिंदू जनसंख्या 25% से भी कम रह गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और ताजी ताजी अपडेट्स पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं और लुफ्त उठाएं ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस का।